मलयाली थीज और मैंने पूरी ग्रीन ड्रेस पहन रखी है बिकॉज आज हरियाली तीज है और हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर। तो उससे पहले ये जो देवकी नंदन महाराज जी हैं इन्होंने कुछ बनवाया है तो हम इधर देखने आए हैं। इन्होंने लिखवा रखा है मेरा ब्रज। तो पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी पूरी सीनरी यहाँ की, जिसके बाद बांके बिहारी जी के मंदिर चलेंगे। वहाँ पर भीड़ काफ़ी कम है क्योंकि ट्रैफिक लग रहा है, पीछे देखा था हमने बहुत ट्रैफिक है, तो इसकी वजह से पुलिस वालों ने वहाँ रास्ता ही बंद कर दिया। नॉर्मली कार आ सकती हैं। ओके पर देवकी नंदन जी हैं, यहाँ पर कथा करते हैं और यहाँ पर सभी लोग जो हैं कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह तक का इंतजार कर रहे हैं। जनरली फ्रेंड्स अभी क्या हुआ था, हम ऐसा आ रहे थे और इधर लग रहे थे बैरियर्स, एंट्री नहीं थी, कोई था वृंदावन का वासी तो उसने आईडी कार्ड वगैरह कुछ दिखाया, हम फ्लो में ही उसके साथ निकल गए। मतलब उन्होंने ऐसा वेरे ओपन करे तो हम फ्लो में उनके साथ रखे, किसी ने रोका भी नहीं और भाई साहब इतनी ज़्यादा हंसी छूटी, हम उनके साथ निकल गए और उनको पता भी नहीं चला। अब हमने वहाँ से आगे भी एक और बैरियर लग रहे तो आ चुके हैं, तो फिर अब एक और बैरियर था तो उसमें अब नो एंट्री, कोई भी नहीं जा रहा। तो फिर हमने यहीं पर कार पे पार्किंग लगा दी है तो हम पैदल जा रहे हैं। अब सोच रहे हैं एक बार ऑटो वगैरह मिल जाए तो उधर से जाएंगे, वरना हम ऐसे ही जा रहे हैं। वैसे तो बहुत दूर है यहाँ से कम होगा 5-6 किलोमीटर तो दूर होगा ही होगा, तो टिर्री का वेट कर रहे हैं, टिर्री मिल जाए तो आगे है। वैसे हमने देख लिया तीसरा बैरियर जहाँ से हमें वापस लौट के जाना पड़ा पार्किंग के लिए। यहाँ से हमने अपना ऑटो ले लिया और यहाँ से हम अब चलते हैं। कितने? हाँ ऑटो ही ऑटो है हर जगह, यहीं पे रोक दिया मैं आधे रास्ते पे, अब 1 किलोमीटर खुद चल के जाना पड़ेगा पैदल। जो सरारा है ना सब चढ़ रहे हैं अब, और फिर चढ़ने के बाद बोले सॉरी का क्या करूँगी करके फट गया तो मुझे इंसाफ चाहिए। हमारा मंदिर जाने का रास्ता था उसमें भी बैरियर्स लगा रखे हैं, तो परिक्रमा मार्ग होता है तो उधर उसके थ्रू हम जा रहे हैं और वो भी काफ़ी लंबा रास्ता है और ये इतने हैवी ड्रेस में मैं बता नहीं सकती भैया है मेरा हवा अब चली चल के लिए। ओह माय गॉड, एक अननोन वे से जहाँ मोस्टली लोग नहीं जा रहे हैं, पतली पतली गली है। ओ माय गॉड, आशीष भैया पहना सा निकले हम मार्केट के अंदर। यहाँ से हमने कर लिया पूरी एंट्री, यहाँ कर रहे हैं हम अपनी
प्यारे लड्डू गोपाल जी के लिए शॉपिंग, उनके लिए ले रहे हैं फैंसी फैंसी ड्रेसेस। रिसेंटली हम लोग ग्रुप छोड़ना चाह रहे जी, मेरे जो कथावाचक होते हैं ना वो, और अभी अभी फोटो वोटो खिंचवाई थी, मैंने नहीं खिंचवाई, मैंने फोटो ली थी। भाई साहब अंदर है, मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ, बातें बता दूँ। तो हम यहाँ से ऑटो ले लिया पार्किंग को जाने के लिए। तो हमने पूरे अच्छे से वीआईपी वाले बिल्कुल दर्शन कर लिए हैं और अब हम घर जा रहे हैं। और ये हमारी बाकी बिहारी जी वाली वाली पूरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे। और आज हमें गौरी गोपाल जी के दर्शन हुए थे, शास्त्री जी के, क्या नाम अरुणाचार्य जी के पूरे दर्शन हुए थे। बहुत अच्छा व्यवहार था उनका और उन्होंने हमको बुलाया था कि आओ कभी गौरी आश्रम बुलाया था उन्होंने हमको। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितने बाकी बिहारी जी के भगत है उन सबको शेयर करो, उन सबको ही पहुंचाओ। हरियाली तीज क्या, जो पूरे दर्शन करे थे बहुत ही अच्छे थे, सबको वीडियो भेजो सभी फ्रेंड्स। और आज की पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी भूमिका थी। हाँ, हर जगह बैरियर्स लगते थे, इसकी वजह से भीड़ भी नहीं थी। पुलिस की प्रशंसा की जाएगी और उन्होंने आने जाने की फुल व्यवस्था देखी थी आज की हरियाली तीज की। बहुत अच्छे से, थैंक यू, बाय बाय।